भाव, सबको वोट एक का अधिकार है। और फिर उन्होंने ये कहा अपने भाषण में, यदि इस एक वोट के अधिकार का प्रयोग करके आने वाले कुछ सालों में आप आर्थिक और सामाजिक बराबरी नहीं पैदा करते तो ये संविधान एक कोरा कागज का टुकड़ा पुलिंदा रह जाएगा। आज 70 साल के बाद हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे संविधान को लागू करने की इच्छा शक्ति हमारे देश की संस्थाओं में हुक्मरानों में नहीं थी। आज 70 साल के बाद एक वोट का अधिकार तो मिल गया है, लेकिन बराबरी कोसों दूर है और गैर बराबरी बे इंतहा है। इसलिए शर्म की बात है कि आज हम लोग बराबरी के लिए, समता के लिए आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और मुझे कहते हुए ज़रा भी तकलीफ नहीं है कि हिंदुस्तान के 3/4 लोग गरीबी और गुर्बत में इस तरह जी रहे हैं। वो हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख और आदिवासी और सब, और उनकी हालत गुलामों जैसी है, जिसको हम बंधुआ मजदूर कहते हैं। 3/4 हिंदुस्तान और चंद अमीरों के लिए सारी सियासत की नीतियाँ बन रही हैं, उन्हीं के लिए, बड़े बड़े कारपोरेट्स के लिए, बड़े बड़े अमीरों के लिए। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से 11,300 करोड़ रुपया एक हीरे का व्यापारी चपत लगा करके विदेश में अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहा है। कौन जिम्मेदार इनके लिए, जब हमारे खुद प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि 66 लाख करोड़ रुपये का NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हमारे बैंकों ने लूट के और उद्योगपतियों ने खा लिया, उसके लिए कार्रवाई क्या करेंगे, बताते क्यों नहीं वो। और एक गरीब किसान यदि 2-4 लाख का कर्जा लेता है, उसको इतना जलील किया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए। तो ऐसी हालत में मुझे लगता है कि हम नाटकबाजी बहुत कर लेंगे, लेकिन वास्तव में कोई मुल्क बदलते हुए दिखाई नहीं पड़ता है, और ये हम सब के लिए चुनौती है कि हम कैसे इसको बदल के दिखाएं। शुक्रिया सर।